ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। मागे मी त्यावेळेला घोषणा केली होती या मशिदीवरती लागणारे भोंगे प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदीवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील, या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल। नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय। ऐसा है कि राज ठाकरे जी थके हारे आदमी हैं, बेचारे परेशान हैं कि हमको राजनीति में कहीं जगह मिल जाए। उन्होंने हिंदी मराठी पर प्रांतीय मराठी न जाने किस तरह की नफरत इन्होंने किया असेंबली में हिंदी में भाषण में शपथ नहीं, इन सब चीजों को देखते हुए जो उनकी सीटें थी ना जीरो हो गए, खत्म हो गए। वो अब वो जगह ढूंढ रहे हैं और उनको लगता है कि मुसलमानों के कंधे पर चढ़ेंगे तो हमारी राजनीति चलेगी। मैं राज ठाकरे जी से कहूं कि अगर आपको नॉइस पॉल्यूशन की इतनी चिंता है तो शादियों में बड़ा बड़ा डीजे बजता है, आपने कभी आज उस पर आवाज नहीं उठाई। मैं उनसे पूछूं कि आज मुंबई में 300-400 बीआर बार चलते हैं, रात को फुल आवाज के साथ 2-2 बजे तक वहां डीजे बजता है, बाजू वाले परेशान रहते हैं, शादी ब्याह में डीजे बजता है, कोई नेता जाता है तो पटाखे फोड़े जाते हैं, इन और गणपति है, नवरात्रि है, दशहरा है, दिवाली है, सब में नॉइज पॉल्यूशन। आज तक आपकी आवाज कभी नहीं निकली, लेकिन आपको मस्जिदों का जो है लाउडस्पीकर बंद कराना है। मस्जिदों के लाउडस्पीकर का परमिशन है, गवर्नमेंट से लिया हुआ है। आप जो है आपको मस्जिदों के लाउडस्पीकर से कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ राजनीति करके हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। आपको लगा कि जिस तरह से बीजेपी सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है शायद उसी पर आप सवार हो जाएंगे तो आपकी भी राजनीति कहीं बढ़ जाएगी। जनता बहुत होशियार है, बेवकूफ नहीं। जनता जानती कि आप लोग सब बेवकूफ बना रहे हो, सिर्फ और सिर्फ जब इलेक्शन आता है तो आपको ऐसे मुद्दे याद आते हैं। मैं खुली निंदा करता हूं इसकी, और जितना भी इनको हनुमान चालीसा का लाउड स्पीकर बजाना है बजाएं वो, लेकिन मंदिर में बजाएं, सड़क पर न बजाएं, परमिशन लेके बजाएं। हम वहां ठंडा पानी पिलाएंगे, शरबत पिलाएंगे आपको। हम नफरत के पुजारी नहीं है। राज ठाकरे जी, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।